नमस्कार, बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ। वायरल है वैसे। महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं, है ना। फेटिसाइड का कानून है, इन्फेंटिसाइड का कानून है। जब स्कूल जाने लगी लड़की तो उसकी सुरक्षा का कानून है। जब थोड़ी बड़ी हुई, एडोलेसेंस हुई, तो उसकी सुरक्षा का कानून है। शादी का कानून है। शादी जब हो गई तो डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है। नौकरी करती है तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का कानून है। अरे भाईजान, भाई लो, मैरिटल रेप को भी साबित करने की कोशिश हो रही है, उसे भी कानून के दायरे में लाया जा रहा है। ऐसे में एक मौलवी ने क्या कहा है, पहले सुनिए फिर बात करते हैं। और बहुत ज़बरदस्त सुनिए उसको पहले। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी सुकून का जरिया हैं। जब बीवी से सुकून ही न मिले तो कहां जाए वो। इसलिए फरमाया, आए अल्लाह की बंदियों, अल्लाह के नबी कहते हैं मेरी मोमिना मोमिना औरतों, कान के पर्दे खोल कर सुनो। तुम्हारा शौहर अगर तुम्हें अपनी खास जरूरत के लिए तुम्हें बुला रहा है, रात के किसी भी हिस्से में तुम्हें बुला रहा है या दिन के किसी भी हिस्से में तुम्हें बुला रहा है, तो तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। इनकार नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी शौहर की फौरन बात मानना चाहिए। यहां तक कि अल्लाह के नबी ने कहा, आला कतबिन, अगर तुम ऊंट के कजावे पर भी बैठी हो तब भी तुम्हें आना पड़ेगा। ऊंट का कजावा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अरब की औरतें जब डिलीवरी का वक्त करीब होता था, उनके बच्चे की पैदाइश का वक्त जब करीब होता था और बच्चा जन्ने का वक्त जब करीब होता था, तो वो दर्द से बचने के लिए ऊंट के कजावे पर बैठ जाती थी। और ऐसा बैठने का मकसद ये था कि बच्चा आसानी के साथ पैदा हो जाए और उनको दर्द ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी माँ बहनों शौहर का इतना ख्याल रखा अल्लाह के नबी ने, उसको गलत रास्ते पे ना जाने दिया जाए, इस पर तुम्हें इतना ख्याल रखना पड़ेगा। फरमाया कि अगर तुम ऊंटनी पर बैठी हो, तुम्हें डिलीवरी का वक्त करीब हो, तुम्हारे बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो, तुम्हारी डिलीवरी का वक्त करीब क्यों ना हो, अगर ऐसे मौके पर भी वो तुम्हें बुला रहा है तो तुम्हें अपने शौहर के पास उस हाल में भी जाना पड़ेगा। हालांकि ये एक मकसद है बताने का, यानी इतना बड़ा मकाम है, लेकिन इतना बड़ा जालिम कोई शौहर नहीं होगा जो अपनी बीवी को इस हाल में बुलाएगा कि बच्चा पैदा होने वाला और हम इसको इस हाल, इतना जालिम नहीं होता कोई मर्द, इतना जालिम नहीं होता है। लेकिन एक मर्द की अहमियत बताई है कि देखो वो दिन भर थका मारा आया है, वो बाहर उसने हजारों किस्म की लड़कियों को देखा है, उसका दिल बहक भी सकता है, फिसल भी सकता है, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा घर आने के बाद तुम्हारे सुकून की ज़रूरत है। सुनो मेरी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनो अल्लाह की बंदियो, तुम्हारा शौहर अगर तुम्हें इस हाल में बुलाता है कि तुम चूल्हे पर बैठी हो, रोटी पका रही हो, तब भी तुम्हें सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। रोटी जलती है तो जल जाए, हांडा हांडी में गोश्त पकता है, जलता तो जल जाए, जल्दी से गैस चूल्हा बंद करो और अपने शौहर के पास जाओ, फौरन तुम्हें उसका हुक्म मानना पड़ेगा। हालांकि इतना बड़ा जालिम भी कोई नहीं होगा जो ये कहेगा कि रोटी छोड़ के आ, इतना बड़ा जालिम भी कोई नहीं होगा। बताने का मकसद ये है कि वो जिस वक्त भी तुम्हारी ज़रूरत को महसूस करेगा, तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा। और कुछ सुनना है आप लोगों को कि फटे जींस वाले स्टेटमेंट पे सारी दुनिया उलट के आ गए थे ना, कुछ कहना है इस पे? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है, 36 औरतों वाली संस्थाएं हैं, संगठन हैं, और अब तो सुविधा हो गई है इंटरनेट पे, सब मिलके चैटिंग करते हैं, एक साथ 10-10, 20-20 महिलाएं आती हैं। कोई बोलोगे इस मौलाना के बारे में क्या कुछ कहा औरत के बारे में? दो मुंह ही बातें, दो तरह की बातें, क्यों? इस मौलाना ने जो कुछ कहा, इसे सुनने के बाद अगर कोई औरत रिएक्ट नहीं करती है तो सब ठीक है, अच्छा है, कुछ भी गलत नहीं औरतों के लिए। फिर सुनाने के लिए आया था, ये वायरल वीडियो है, हमें गाली मत देना, फैला हुआ है, हम तो सवाल करने के लिए आए हैं, जवाब देना हमें। इससे कोई मतलब भी नहीं है कि ये कौन सा हदीस का है, कौन सा बात का है, क्या है नहीं है। ये जो बोल रहा है
वो औरतों की अस्मिता के लिए बहुत ही खतरनाक है, जंगली स्टेटमेंट। चलिए दीजिए अपनी प्रतिक्रिया। I'm sick of other people deciding how I'm meant to be and how I'm meant to look. Haram police brothers. Oh sister, sister, is this too much makeup? You're going to burn in hell. That's not hijab. Focus on yourself. And of course, when you wear your heart on your sleeve, as they say, you face with a lot of criticism as well. I really don't think that because someone looks a certain way makes them more pious. Just because I have cats on my hijab doesn't mean my hijab isn't hijab. I'm tired of the obsession. I do have my faith, but that has nothing to do with anyone else. Sometimes I get, you know, I love the color, I love, you know, and sometimes you get, hey, terrorists, go back home. They both looked at the empty seat next to me and looked at each other and said, oh, we're not sitting next to her because of this. Do you brush it? What makes this hinder me from speaking another language? You speak Spanish, English? Really? Do you understand German? I think there's too much policing of what women wear. Why do people care? चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। कुछ खास खास मुद्दे होते हैं, गंभीर मुद्दे होते हैं, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.